कैनेडियन खबरनामा दे विच सारयां दा निघा स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त उस परमजीत सिंह पगरा। सब तो पहला निगाह मारदे आ अज दीआं मुख। जस्टिन ट्रूडो संस्थावां नूं देणगे 350 मिलियन डॉलर। अमरीका जाण वालियां सारियां उडानां रद्द करेगी एयर कनेडा। नोवा स्कोशिया विच होए कतलेआम बारे एमरजेंसी अलर्ट जारी ना करन तों लोक होए हैरान। पिकरिंग च लॉन्ग टर्म केयर होम विच कोविड-19 कारण हुईआं 31 मौतां। हुण खबरां विस्तार दे नाल। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस नाल निजिठण वास्ते कई समाज सेवी संस्थावां दी मदद करन दा ऐलान कर दिता है। इस लई उन्हां समाज सेवी संस्थावां नूं फंड देण वास्ते 350 मिलियन डॉलर जो ने ऐलान कीते गए ने। ते इस लई इह ऐलान कीता गया क्योंकि कई जिहड़ियां संस्थावां मरीज ते लोड़वंदां दी सहायता वास्ते फंड इकट्ठे नहीं कर सकदियां। तो ये फंड सेवा सेवी जो उस सिखलाई देने वास्ते कमजोर लोगों वास्ते आवाजाई ग्रोसरी तो होम डिलीवरी वास्ते इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोड़िंदे जो लोड़वंद लोग ने उन्होंने सहायता वास्ते होर लोगों के सहयोग वास्ते जो फंड के मंग सी वो फंड इसे करके दिता जा रहा। तो दसया जा रहा कि फंड उन्होंने मुहैया करवाया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस तरह करने नाल संस्थावां नाल जुड़े ते होर समाज सेवी जो लोग ने वो अगे निकल के आणगे तां जो वो लोगों की मदद कर सकन। सो काफ़ी समाज सेवी संस्थावां इदां दीआं वी ने कनेडा दे अंदर जिहड़ियां फंड नहीं इकट्ठा कर सकदियां। इस करके ये वड्डा कदम जस्टिन ट्रूडो की सरकार वल्लों चक्किया गया। ओटवा वल्लों अमरीका दे नाल लगदे अपने सरहद उत्ते पाबंदी दे 30 दिन होर वधाए जाण तों बाद एयर कनेडा ने अपना एक वड्डा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि अमरीका जाण वालियां सारियां फ्लाइटां उह रद्द कर देणगे। देश की सब तो वड्डी एयरलाइन ने कहा है कि अमरीका जाण वालियां उस दीआं सारियां उडानां जिहड़ियां कि 27 अप्रैल तों 22 मई तक सस्पेंड कर दित्तियां गईआं ने। मॉन्ट्रियल स्थित कंपनी वालों प्रभावित कस्टमरों को फीस में छूट दी जाएगी। मार्च के मध्य तो ही एयर कनेडा वालों अपनी समर्था 90% तो ज़्यादा घटा दिती है। तो सरहदां बंद होने करके ट्रैवल संबंधी डिमांड घटन तो बाद एयरलाइन वालों हजारों उडानों को पूरी तरह रद्द कर दिता। सनिचरवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस गल की पुष्टि की कि कनेडा की सरहदा पार करन तो गैर जरूरी आवाजाई उत्ते पाबंदी लाउणी जारी रहेगी। तो इस सरहदा तो पहला 21 मार्च में जिहड़ा कि कोविड-19 की महामारी करके इन्हां सरहदा नूं बंद कर दिता गया सी। ते हुण इन्हां सरहदा के उपर एक बार फिर नवे हुक्म जारी होने तो बाद एयर कनेडा ने यह वड्डा फैसला लै लिता। RCM अधिकारियों की वर्दी पा के पुलिस की गड्डी की रैप्लिका विच हॉलीफॉक्स के अंदर 23 लोगों नूं मौत की घाट उतारन की घटना सारे कनेडा नूं पूरी तरह परेशान कर रही है। कई कनेडियन ये पुछ रहे हैं कि जिस रस्ते वो कतलेआम मचाउंदा आ रहा सी उस रूट के उपर मौजूदा नागरिकों नूं अगाऊ चेतावनी क्यों नहीं दिती। एक न्यूज़ रिलीज़ दे विच RCM ने पुष्टि की है कि कतलेआम पोटापिक नोवा स्कोशिया तो शुरू हुंदा होया जदों शनिवार रात नूं पुलिस मौके उत्ते पहुंची तां उन्हां उस घर के अंदर तो बाहर कई लोगों नूं ओह मार चुकिया सी। कतल की रात जिथे वैटवर्थ डेबरेट तो सुबीना कांडी विच कतलेगार जिहड़ी जारी रही है आखिरकार उस नूं एतवार दुपहरे एनफील्ड विच पुलिस ने जाके मार मकाया। जदों सब कुछ खत्म होया तां जुर्म दे 16 वक्-वक् सीन बन चुके सन। इस दौरान RCMP वालों ट्विटर अपडेट मुहैया करवाए गए पर किसी भी पब्लिक एजेंसी वालों अजिहा कोई भी पब्लिक एमरजेंसी अलर्ट जारी नहीं किया गया, जिस दे उपर हुण वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जदों कोविड-19 की एक एक पल पल की खबर कनेडियन लोगों को दी जा रही है तो इस वड्डे जो एक कतलों बाद जो ये वड्डी घटना घट रही थी तो लोगों क्यों नहीं चौकस किया गया। सो इस सवालों के घेरे में हुण खड़े हो चुके ने। देखना होगा कि इस दे उपर हुण RCMP होर की सफाई देवे। पिकरिंग दे लॉन्ग टर्म केयर होम में कोरोना वायरस नाल 31 रेजिडेंसा की मौत होने अधिकारियों वालों पुष्टि कर दी गई है।
ਓਰਚਰਡ ਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ 90 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਡਿਜਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ 24 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ 90 ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਓਰਚਰਡ ਵਿਲਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ 6 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਂਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।